और सीधे आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री की जो पार्टी टी पार्टी शुरू वहां पर हो चुकी है और यहां पर गृह मंत्री आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे यहां पर तमाम अमित शाह को आप देख सकते हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो यहां पर कई बड़े नेता आज यहां पर संसदीय बोर्ड के जो नेता हैं उसमें वो पहुंचने वाले हैं। बीजेपी कवर करने वाले जो पत्रकार हैं उन्हें खास करके आमंत्रित किया गया है, संपादकों को वरिष्ठ संपादकों को भी आमंत्रित किया गया है। ये पहली बार है जबकि औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पत्रकारों से रूबरू होंगे। इस बीच राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं मुलाकात करते हुए संपादकों से। दिवाली मंगल मिलन हालांकि इसका नाम दिया गया है इस मुलाकात का, और पहली बार औपचारिक तौर पर मुलाकात हालांकि हो रही है प्रधानमंत्री की। इस बीच अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ, तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, हम देख सकते हैं अमित शाह पहुंच चुके हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, अब इंतजार केवल प्रधानमंत्री का है। बिल्कुल, इंतजार प्रधानमंत्री का है जो 5 मिनट के बाद 11:55 पर उनके पहुंचने का समय है। यहाँ पर 1 घंटा वो यहाँ समय बिताएंगे, पत्रकारों को संबोधित करेंगे। नहीं, पार्टी ने इस पर अभी तक पर्दा डाल रखा है। हालांकि आप मंच पर देखो तो उनके संबोधन के लिए वहाँ पर माइक वाइक का इंतजाम किए गए हैं कि अगर प्रधानमंत्री को पत्रकारों को संबोधित करने की इच्छा हुई तो वहाँ से बोल भी सकते हैं। लेकिन तमाम संसदीय बोर्ड के सदस्य जो यहाँ पर हैं, तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अरुण जेटली सबसे पहले पहुँचने वाले थे, राजनाथ सिंह पहुँच चुके हैं, अमित शाह पहुँच चुके हैं, और सामने मंच की तस्वीर आप देख सकते हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ पर मौजूद, उनकी तस्वीर की मौजूदगी है। तो जाहिर तौर पर एक संवाद कायम करने की कोशिश की शुरुआत जो है पत्रकारों के साथ, बार बार आरोप लग रहा था कि नरेंद्र मोदी पत्रकारों से दूर रहते हैं, पत्रकारों से मिलते नहीं, कम से कम दिवाली मंगल मिलन के बहाने तो ये दूरियां नजदीकियां बदलने की कोशिश। बिल्कुल, और जिस तरह से मुलाकात हम देख रहे हैं, गृह मंत्री भी जिस तरह से मिल रहे थे संपादकों से और जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाइट मूड में ये बातचीत करने की सोच रहे हैं, कोई गंभीर शायद ऐसी बातचीत या फिर चर्चा नहीं होगी, एक हल्के फुल्के माहौल में बातचीत होगी। देखिए, बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि अनौपचारिक मुलाकात है, दिवाली मंगल मिलन है, और सिर्फ पत्रकारों से अनौपचारिक बातें होंगी। यहाँ सवाल जवाब करना या फिर कोई पूछताछ की कोई गुंजाइश है यहाँ पर, प्रधानमंत्री अनौपचारिक रूप से मिलेंगे, दिवाली की शुभकामना देंगे, ऐसी पूरी कवायद है, और पत्रकारों से सीधा सीधा कवायद काम करने की शुरुआत है यहाँ पर। तो जाहिर तौर पर इसमें कोई खबर निकलने वाली बात यहाँ पर नहीं है, बस एक अनौपचारिक दिवाली मंगल मिलन की बात है, और उसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की कैबिनेट के सहयोगी, बीजेपी के नेता, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अमिताभ एक सवाल ये भी उठता है कि नरेंद्र मोदी पर जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले भी अक्सर ये आरोप लगते रहे थे कि मीडिया मैनेजमेंट करना बड़ी अच्छी तरीके से उनको आता है, लेकिन क्या लगता है, सवाल ये भी है कि क्या ये जरूरत पड़ गई कि इस तरह से बुलाना, इस तरह से मुलाकात हो? देखिए, जरूरत की बात नहीं है यहाँ पर, ये संवाद कायम करना, क्योंकि जो बीजेपी बीट कवर करते रहे हैं पत्रकार, उनको उनकी बड़ी शिकायत है कि प्रधानमंत्री मिलते नहीं। तो अमित शाह ने कुछ दिनों पहले वादा भी किया था महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे, और उसी आश्वासन को उन्होंने पूरा किया है। और एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है पार्टी से जुड़ा हुआ, संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, चुनाव समिति की, प्रधानमंत्री हमेशा पार्टी मुख्यालय आते हैं, पार्टी मुख्यालय पे ही पार्टी से जुड़ी बैठकें होती है, और ये संदेश देने की कोशिश होती है कि पार्टी ही सुप्रीम है। पहले वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 7 रेसकोर्स रोड पर संसद बोर्ड या बाकी बड़ी बैठकें हो जाती थी, लेकिन यहाँ सारी पार्टी से जुड़ी बैठकें पार्टी कार्यालय हो रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाया गया है, पार्टी सुप्रीम है, और बीजेपी बीट के रिपोर्टर्स जो हैं और संपादक जो हैं उनको तवज्जो दी जा रही है, ये भी दिखाने की कोशिश है। एक सोशल मीडिया पर तो प्रधानमंत्री वैसे भी काफी एक्टिव है, ट्विटर करते रहते हैं, तो जाहिर तौर पर एक जो विजिबल मीडिया है उसके संवाददाताओं से, उसके संपादकों से मिलना एक दिवाली मिलन। बिल्कुल अमिताभ, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।